दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आपको भी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड है, कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है जैसे ही आप इंस्टाग्राम लॉगिन कर रहे हो, तो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हो और किस कारण की वजह से आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना, तभी आप ये समझ पाओगे, अदरवाइज आप ये अकाउंट को लॉस कर दोगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। एक बार मैं दोबारा से ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोबारा से सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड ही आ रहा है, क्योंकि ये अकाउंट इसमें लॉगिन था। चाहे मैं जितनी बार भी लॉगिन करूँ, ओपन करूँगा, सेम प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर इसे फिक्स करने के लिए क्या करना है, आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर से वेरीफाई करने के लिए कहेगा। अगर आपके अकाउंट में ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वेरीफाइड नहीं है, तब भाई ये अकाउंट आप रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखता है। दो में से किसी एक चीज़ से आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये दो में से कोई भी चीज़ लिंक्ड नहीं है आपके अकाउंट में, तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इनमें से एक तो आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होना ही चाहिए, तभी आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करा पाओगे। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करा रहा हूँ। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपसे OTP आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, तो मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही OTP आता है, आपने यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपसे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा, मतलब न्यू पासवर्ड रखने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आपने एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेना है और उसके बाद आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा अकाउंट रिकवर हो गया है और वो अब लॉगिन हो गया है यहाँ पर। इसके बाद हो सकता है कि आपके सामने भी सिक्योरिटी चेकअप के लिए आए, तो आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर सकते हो या फिर रिमाइंड भी लेटर कर सकते हो। तो सिक्योरिटी चेकअप में भी वही आपसे पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए कहेगा, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए बोलेगा या चेक करने बोलेगा, तो वहाँ से आप उसे वेरीफाई कर सकते हो करना चाहो तो। यहाँ पर आप देख लो, अकाउंट इस तरीके से आप रिकवर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।